Assalamualaikum students, welcome to online classes and free education. Assalamualaikum dear students, myself Shahzad Sharif, computer science teacher. आज का lecture number 39th class के लिए है, जो कि page number 20 पर है, और आज का हमारा topic है memory. करेंगे memory. तो बढ़ते हैं हम अपने topic की तरफ. Memory. Memory is a temporary area for holding data and information. Memory क्या होती है? एक टेम्पररी एरिया होता है, मतलब एक आरजी जगह होती है डेटा को रखने के लिए, हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन को आरजी तौर पर रखने के लिए. टेम्पररी मींस आरजी तौर पर, मींस ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक टेम्पररी एरिया होता है जिसके अंदर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को आरजी तौर पर रखा जाता है. मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी. मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, और प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है. प्राइमरी मीन्स इब्तदाई स्टोरेज. तो हमारे पास मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये दोनों एक ही नाम है, और ये दोनों टेम्पररी एरिया होते हैं. मतलब हमारे पास जो मेमोरी होती है वो टेम्पररी एरिया होती है किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ भी कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं टास्क, तो उसका जो डेटा है, से फॉर एग्जाम्पल हम लेक्चर्स ओपन करते हैं कंप्यूटर में, तो वो लेक्चर्स जो आपके पास कंप्यूटर में सेव हैं, वो टेम्पररी कहाँ आ जाते हैं? जब आप देख रहे होते हैं मेन स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज में सेव हो जाते हैं. जब तक आप देखते रहते हैं, वो उसी एरिया मेन एरिया में सेव रहते हैं. जो ही आप उसको क्लोज करते हैं, तो वो उस टेम्पररी एरिया से हट कर जहाँ आपने सेव किया होता है वहीं ट्रांसफर हो जाते हैं. अ कंप्यूटर यूजली लोड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी देन एग्जीक्यूट देम. मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये वही बात है कि कंप्यूटर सबसे पहले पहले डेटा या इंस्ट्रक्शन को लोड करता है. कहाँ से लोड करता है? इसी मेन स्टोरेज में लोड करता है. क्यों लोड करता है? उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. अगर हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी ना हो, तो कंप्यूटर कभी भी काम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी काम कर रहे होते हैं, उसका जो डेटा है वो पहले मेन मेमोरी में स्टोर होता है और फिर हमें एग्जीक्यूट होकर शो होता है. तो अगर मेन मेमोरी ना हो, तो डेटा हमें शो नहीं हो सकता. Memory has much faster access time than backing storage. अब ये जो primary memory होती है, ये काफी ज्यादा fast होती है, तेज होती है. किस चीज के मुकाबले में? Backing storage के मुकाबले में. Backing storage कौन से होता है? जो permanent storage memory होती है, जैसे कि hard disk, उसके लिहाज से काफी ज्यादा fast होती है. मेमोरी कैन बी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल. मेमोरी हमारे पास वोलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है. वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? वो मेमोरी होती है जो ईजिली उड़ जाए. मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है, तो वो मेमोरी हमारे कंप्यूटर में रहती है. जैसा हमारे पास कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा, तो वो कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी. और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में सेव हो, अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो तब भी वो परमानेंटली सेव होती है. तो वोलेटाइल को हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं. द साइज ऑफ द मेमोरी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर यूज. अब मेमोरी की जो साइज है वो बाइट्स के जरिए मेजर की जाती है, जो हमारे पास इस्तेमाल होती है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी. तीन किस्में हैं मेमोरी की, जो कि हमारे पास सबसे पहले पहले मेमोरी है रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. दूसरी टाइप है रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. और तीसरी टाइप है मेमोरी कैश, जिसको हम कैश मेमोरी भी कहते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे.